जय श्री ओम नमः शिवाय। नमो जिम्मेदारी है
व्यवहार में का जितना उपदेश है वह परमार्थ को साधने के लिए है। इसका मतलब तुम्हारी जिम्मेदारी है परमार्थ का साधन करो। हम तो कहेंगे पूजा करने से धर्म होता है, तुम ये समझो पूजा करने से धर्म की समझ होती है, धर्म नहीं होता। पूजा करोगे तो धर्म की समझ होगी, तब धर्म सधेगा। क्यों? दो तरह से होता है क्या काम? एक निश्चय से होता है, एक व्यवहार से होता है। निश्चय से कर्म विधि और व्यवहार से निश्चय व्यवहार दो थोड़ी है। इस तरह से ध्यान रखना, एक ही विषय को कथन के दो तरीके हैं। ट्रोडोबेनिक ने साहब ने क्या लिखा है, मोक्ष मार्ग दो नाही। उनका निरूपण दो प्रकार का है, तो यहाँ पर भी क्या कहना चाहिए, हमें बताना तो परमार्थ तत्व ही है, हमें बताना तो केवली भगवान ही है, लेकिन हम ऐसे कहते हैं समोसन बहुत बढ़िया है, देवी बहुत बढ़िया है, रूप बहुत सुंदर है, कांति बहुत बढ़िया है, पढ़ चल गया ना एकदम जोरदार कांति, दसों से सांप धोते उज्ज्वल कर देते हैं, सूरज का प्रकाश रुक जाता है, इतना प्रकाश होता है। अब कोई मुझे पूछा लगे कितना वोल्टेज का प्रकाश हो सही वोल्टेज का प्रकाश थोड़ी बताना है कितना किलोवाट होता है, मुझे थोड़ी बताना है, हमें तो वो बताना है और उनका तेज कितना। इतिहास में साध्य साधक संबंध कौन के बीच में होता है, निश्चय और व्यवहार के बीच। इसका मतलब हमारी जिम्मेदारी है निश्चय को साधो, व्यवहार नहीं से निश्चय को साधो। हम तो कहेंगे पानी छानने से धर्म होता है, व्यवहार है ना, व्यवहार की भाषा है, बहुत स्थूल व्यवहार की भाषा है। हम तो कहेंगे मंदिर जाने से धर्म होता है, रात्रि भोजन नहीं करने से धर्म होता है। तुम किसी को धर्म मान लोगे तो साधक बना नहीं रहा, तुमने साधक को ही साध्य बना लिया। क्या बोला हमने, साधक को ही साध्य बना लिया। अब तो मुझे लग रहा है जैसे पानी छान रहे मोक्ष हो रहा है, पानी छान रहे निद्रा हो रही है वही कर्मों की, आज मैं बहुत पानी छानो बहुत सारी निद्रा हो रही कर्मों की। भाई साधक को साध्य नहीं बनाओ, क्या कहा, साधक को साध्य नहीं बनाओ। आपको लग रहा है वो सरल बात चल रही है, महामिथ्या की बात चल रही है, दर्शन दे रहे दो चार एक आप दे चार। देखो भाई सारे काम पैसा से ही होते हैं, दर्शन दो के सारे काम का ही होते हैं, पैसा से होते हैं। तो पैसा साधन था यहाँ, तो पैसा साधन था ना यहाँ पर, साधक कहो साधन कहो, पैसा साधन ही था, काय का, रोटी का, कपड़े का, मकान का, दवाई का, व्यापार का, साधक ही तो था वो। अब तुम वही साध्य बन गया, कैसे बन गया, अब रोटी नहीं खाना और पैसे भी कमा दे जाओ, अच्छा नहीं करो बेटा, पैसा बहुत बड़ी चीज है, और दवाई की जरूरत पड़ी दवाई नहीं ले रहे, मकान की जरूरत पड़ी मकान नहीं खरीद रहे, पैसा कमाए जा रहे, पैसे कमाए जा रहे, समझ गए। ये क्या हो गया, आपने साधक को साध्य बना दिया है ना, धन साधन था, साधक का हो या साधन का, ऐसा कोई मूर्ख होगा पैसा खुद कमा लिया और खाए नहीं, दवाई करी नहीं, कपड़ा पहनी नहीं, मकान बनाई नहीं, यही मूर्खता कर रहे, अभी भी कर रहे हैं। पढ़ाई भी साधन थी और साथ हो गई छोटी सी जिंदगी, और तो आजकल की पढ़ाई इतनी भयंकर हो गई, एक जमाने में था कि 5-6 क्लास पढ़ गए बहुत है, 8 पढ़ गए, 10 पढ़ गए बहुत है, नहीं अब पढ़ाई को ढेर, मेडिकल साइंस में जा रहे फिर एक डिग्री दो डिग्री एक स्पेशलाइजेशन दो तीन स्पेशलाइजेशन 28 साल तक पढ़ते ही चले गया, दर्शन दिया ये है। इसका मतलब क्या हो गया, वो साधक थी साध्य थी, अब पैसा पैसा का दर्शन नहीं, पैसा कमाने के लिए पहले 12 घंटा की पढ़ाई करी,
12 घंटा के लिए नौकरी कर रहे हो, 12 घंटा की, तो भैया वो साधक है कि साध्य हो? अब उसके चक्कर में धर्म छोड़ दिया, मैंने साध्य को छोड़ दिया, पैसा इतना साध्य हो गया कि धर्म छोड़ दिया, पैसा इतना साध्य हो गया कि उसके लिए रात भी भोजन करने लगे, पैसा इतना साध्य हो गया। क्यों दिला के धर्म में साधक साध्य नहीं बना हो, जैसे हमने व्रत पूजा पाठ संयम कहा था ये साधक था, इसे साध्य मत समझो। साध्य का मतलब यही हमारे जीवन का साध्य है, अंतिम लक्ष्य है। पंडित जी हमें 5 साल हो गए वो करते करते उपवास, गाय गाय के उपवास करते हैं, बस जस आप क्या हो कर यही रह गए, वहां भी सब हो गए, 10 लक्षण वाले 10 साल के हो रहे, 5 साल वाले हो गए, 16 कारण के 16 वर्ष हो गए, हो रहे बस उसको ऐसा लग रहा है जैसे धर्म हो गया। अभी बात समझ आई, गलती समझ आई नहीं आई? निश्चय और व्यवहार के बीच में साध्य साधक संबंध है, मतलब कि तुम उसे साधो, क्या क्या तुम उसे व्यवहार के द्वारा परमार्थ को साधो। अब 2 दृष्टांत दो या 3 दृष्टांत दे, पूजा साधक है काय की, शुद्धात्म स्वरूप के अनुभव की साधा। अब लेकिन पूजा इतनी हावी हो गई कि एक बार भी याद नहीं आती कि मैं परमात्मा हूं, एक बार भी याद नहीं आती मैं अवेद हूं। अब भैया वैसे पूजा कर लो, रुको मत, जैसे कोई व्यक्ति कहे भैया रुक जा सब अनुभव करो, अब तुम अनुभव की पढ़ो पूरी करो, ठीक है। तो अब क्या कहा था, निश्चय व्यवहार के कौन सा संबंध था, साध साधक पूजा काय के लिए थी, वो स्वानुभव के लिए, देव दर्शन काय के लिए था, देव दर्शन काय के लिए था, वो तो रही है, सही से बता स्वानुभव का उपाय कौन कौन करता है, इसका मतलब साधक साध्य बने। शॉर्ट में ऐसे बोलते हैं, क्या बेटा दुकान खोल, बेटा गया दुकान खोली है, अब ग्राहक आए, सेठ जी कपड़ा दो, पैसा दो, सामान दो, अब सेठ जी नहीं है हमें नहीं मालूम, और बच्चे दुकान खोल ली और दिन भर एक पैसा माल नहीं है, दुकान क्या की खोली थी, दुकान क्या की खोली थी, अब पिताजी 12 बजे आए, क्या बेटा सुबह से फोन ही बनता भाव थी, पिताजी आए तो बहुत थे, समय लौटा था, क्यों क्यों लौटा दी, आप नहीं तो कही दुकान खोल, आप जी कब कही माल में जब, समझिए क्या कह रहे हैं, दुकान खोलने का मूल प्रयोजन तो साथ समझिए साथ से, अब फिर समझ लो हम क्या कह रहे हैं, पूजा करो तो तुमने दुकान तो खोल ली, क्या भैया थाली जमा जल्दी पानी खींचो दुआ में, तो लिया जमा दी दुकान जब गई दुकान कर लिया सब कुछ, इधर खान खोले इधर बकेरे इधर तो जमा दी, इस थाली का तरफ इस थाली कर दिया दुकान गिट्टी चली, बोलो इतना तो माल उठाओ पटको बिक्री कितने ही हुई, समझ गया क्या करे, तुमने दुकान खोलना साधक था साध्य नहीं था, तुमने दुकान खोलना ही साध्य समझ लिया, माल उठाना रखना देखना दिखाना यही साथ समझ लिया, बेटा कहने की बात नहीं है, हम ग्राहकों के सामने जाने कहेंगे 25% खेजो, हम ग्राहक के सामने देखेंगे बेटा घाटा खा रहा है, बस कैसे बोलते दुकान पे बोलो नहीं, दुकान पे जाके देखो किसी क्या भाई क्या इस साल तो बहुत घाटे में जा रही सरकार, तुम ले लो तो ले लो थोड़ा बहुत बिक जाए, हम तो कम से कम बेच रहे हो स्टॉक निकाल रहे क्या बताए, जैसे बेच रहे 25% 20% घाट है, नहीं मानो तो ले जी बिल देख तो बिल कोई समझ में आती नहीं, कोई बिल्कुल समझ में नहीं आती, ऐसे पटक दे दो बिलो बटल लो पटो पकड़ो, समझ में कुछ आती नहीं है, बराबर से देखो बेचारो घाटे में खा भी लाए दुकान खोले बैठो गए, दुकानदार जैसा मूर्ख
स्वामी की कमल बाबा भैया ये अपनी जी जी है इनसे बलवाई मत लियो जी जी खोल इनसे बलवाई मत लियो समझ गए माने बलवाई डबल नहीं मांगे वो भी ऐसे बोलता है देख भैया बनवाई तो हमने लाई नहीं तीन दिन लग गए जब हार बना दी बनवाई तो लाई नहीं आज बनवाई दे में जा रहे 2000 रुपये लग जाते देखो तुम्हारी 2000 की बचत हो गई अब तुम हमारी दुकान पे आए जैसे 2000 बच गए बनवाई तीन दिन की मजदूरी 2000 लगती कम बातें कह रही क्या कर रहे लेकिन सबकी दृष्टि कहाँ है अब हम तुमसे पूछे चार एक दृष्टांत हो गए चार तुम ये बताओ शास्त्र पढ़ो हमें दर्शन हो जाएगा तुम पढ़ते क्या थे जी तो बता तुम्हें तो शास्त्र पढ़ना ही साध्य हो गया शास्त्र पढ़ना साधक है पूजा के काल में स्वामी गोप कराओ शास्त्र पढ़ते समय स्वामी गोप कराओ वो कही जाएगी क्यों कही जाएगी क्या तुम्हारी दुकान पे कही जाती है भैया इनसे 25% प्रॉफिट लगी हो छोड़ मत दियो अपन फोकट की दुकान खोल पड़े इतनी पूंजी लगाई एक तो भला करो कैसे करो कैसे करो ऐसे फाते बैठेंगे अपन नौकर इनके हाँ तो इतने बढ़िया लिखा है हम आपके सेवा के दुकान नहीं लिखा कहीं भी पड़ा होगा दुकान एक मंदिर है ग्राहक हमारा देवता है ना और क्या क्या है और बिक्री हमारी सेवा है हम भगवान की पूजा है ऐसी बड़ी बड़ी वहां से लगी है भाई फिर समझो साधक साधक समय में है अब जानते दो तीन बता दी इसमें लगाओ शास्त्र पढ़ते समय साध्य को साधो यदि साध्य को नहीं साधा तो सब बेकार चला जाएगा जीवन तो चला जाएगा ये साध्य साधक संबंध चल जाए एक बात इसमें पूरी हुई अब हमें दूसरी बात और इसमें पॉइंट बताना है थोड़ा सा साध्य साधक के बीच में कि साधक साध्य को बता नहीं पाता तुम्हें समझना पड़ेगा देखो क्या जवाब है साधक साध्य को बताता है क्या कह रहे हैं अब हम कह रहे हो साधक जैसे बताएगा ना बैंसा साध्य नहीं है तो तुम अकल लगाना उसने अकल लगाना तो तुम्हें साध्य मिल जाएगा अभी दूसरा पॉइंट समझा रहे साधक जैसा बोलेगा वैसा साध्य नहीं है तुम्हें अकल लगानी पड़ेगी जैसे लोग व्यवहार में ऐसे ही कहा जाता है लड़का कैसा है लड़का कैसा है 5 मकान है कार है 10 लाख रुपया की नौकरी है ऐसा है वैसा है ऐसे ही बोले जाते तो अब बताओ तुम लड़के के बारे में क्या समझे इससे क्या समझे जी बताओ उसका लड़के की रंग मालूम पड़ गया आपको रंग की हेल्थ हाइट पता लगी नहीं लगी लेकिन अब सुनना ध्यान से लोगों को कोई पूछता भी नहीं क्योंकि लोग में ये तो पहले ही माना जाता है क्या कह रहा हूँ माना जाता है कि उसकी 5 इंद्रियां ठीक हो बुद्धि ठीक होगी जो उसके बाद की बात है नहीं मानी जाती है क्यों कोई ऐसे पूछता है क्यों ये लड़का कैसा है लांधो तो नहीं है लंगड़ो तो नहीं है बैरो तो नहीं है नट्टा तो नहीं है गंजा तो नहीं है कि तुम जितनी विशेषताएं बता रहे हो ये हमें पहले से ही मान्य है क्या कि यदि कोई लड़का होता है तो 5 इंद्रियों से सही होता है और अच्छा होता है देखने में बुद्धिमान होता है इसके बाद तुम डिग्री बता रहे हो समझ गए सब मैं 2 बार कह दी बात पकड़ना इस पॉइंट कैसे यहाँ पर जब हम कह रहे हैं ना कि तीर्थंकर कैसे होते हैं कि 2 हरी होती है 2 लाल होती है 2 गोरी होती है 2 सांवली होती है और 16 कंचन वर्ण होती है तो वो बात तो मैं तुम पहले ही रखना अनंत चतुष्टय होते ही है वो हम कहेंगे नहीं तुम जरूर लगा भी रहो अनंत चतुष्टय होते हैं केवल ज्ञान होता है अनंत सुख होता है जी तुम्हें लगाना पड़ेगी बहुत बड़ी बात कही समझ आई कुछ क्योंकि व्यवहार में क्या कहता है बताओ व्यवहार में ऐसे कहेगा ऐसे नहीं समझ लेना पता है
आदिनाथ भगवान का समुद्र कितना बड़ा था? 12 आयोजन का। और इनका कितना था? कि आधा आयोजन या एक आयोजन, दृष्टांत देख लेना। महावीर भगवान का घट तो चला गया, 12 अंक ऐसे घट तो चला गया, तो आधा एक आयोजन का नहीं समझना, देख लेना आधा एक कितना। तो बता भाई, तो कौन से तीर्थंकर बड़े हुए? उनका 12 आयोजन का था, इनका योग आयोजन का था। बताओ कौन से तीर्थंकर बड़े थे? अब ये तुम पहले इस महीने ने ऐसे व्यवहार से नहीं ना नापते करना, नहीं तो फिर हम तुमसे पूछ रहे बताओ क्या, पिताजी की हाइट 5 फुट, बेटा की हाइट 6 फुट, बताओ बड़ो कौन? बताओ कौन बड़ा है? तब यही तो कह जाए, ऐसे नहीं नापा जाता। ऐसे तीर्थंकरों का जो समोसरण है और रंग रूप है, इससे नहीं नापे जाते। असली बात क्या होती है उनमें? उनमें अनंत चतुष्टय है, उनमें अनंत चतुष्टय है, वो तुम्हें देखना पड़ेगा, समझ गए? अब कैसे हम कह रहे, अब आत्मा हम कह रहे, कैसे हम गुण भी तो पर्याय भी का व्यवहार करेंगे, तुम अंदर में तुम्हें ना अखंडेंगे। क्या कहा? अखंड ही है तो तुम्हें सम्यक दर्शन होगा, और नहीं तो देखो ये ग्रंथ हम लिखिए, हमें लगा कि हमें द्वेष में कष्ट आए, हमें बीमार है, हम सुखी दुखी हैं, हम क्या बताएं भाई, क्या देखो लिखिए संसार में ये जीव सुखी नजर नहीं आता, को काऊ से दुखी, को काऊ से दुखी, सही बात है, जीवन अधिकार से दुखी है, अब दुखी दुखी की लिस्ट पड़ गई तुमने। अरे सुनो, तुम कितना भी व्यवहार पकड़ना, एक बात पहले समझ के रखना कि आत्मा अवेद अखंड शुद्ध ही है, तो अनुभव होगा, अगर तुम रोते ही रहोगे, शास्त्र पढ़ के रोते रहोगे। क्या कहा? शास्त्र पढ़ के भी जीव दुखी रहता है? जय लिखी देखो पंडित जी, आत्मा अनादि से अशुद्ध है, अजय लिखी अनादि से अशुद्ध है, और कभी नहीं लिखा। देखो पंडित जी लिखा, सम्यक दर्शन करना पड़ेगा, पुरुषार्थ करना पड़ेगा, सम्यक दर्शन का, तो सम्यक दर्शन करने के लिखा है, तो ये नहीं लिखा है कि तुम सम्यक दर्शन करने में समर्थ हो। जी नहीं समझ गए कुछ? क्या कहा दूसरे पॉइंट में? क्या कहा हमने? व्यवहार जैसा कैसा है वैसा वैसा निश्चय नहीं है, थोड़ी अक्कल लगानी पड़ेगी तुम्हें। व्यवहार जैसा बोलेगा वैसा नहीं है, पहले से एक मान्यता सेट है, कौन सी? कि लड़का 5 इंद्रियों से सही होता है, बुद्धिमान होता है, इसके बाद कह रहे पैसा, डिग्री, रंग रूप, मोटर कार, ये सब बाद में कह रहे, पहले पहले वो ऐसे ही। मैं तो अनादि अनंत ध्रुव अखंड भगवान आत्मा ही हूँ, ये पहले रहता। क्या लिखा है? पढ़ो पढ़ना बेटी, दिखाई दे रहे ऊपर लाइन, पढ़ो जोर से जी। यही हूँ कौन? कौन? मैं तो सदा, कब कब जी है, पहले पहले चीज चेक कर, अब बोलो राग है, तब तो पंडित स्वामी पास में आई स्वभाव के तन मुख कैसे टिकेगी। स्वभाव स्वभाव पहले सेट कर, स्वभाव कितना राग है आपको पता है? अनादिकाल से आज तक जितना मोह राग देश हुआ है, जितने भाव बंद हुए, भाव कर्म हुए, भाव आश्रम हुए, जितनी तुम रावण गा रहे 70 कोड़ा कोड़ियों सब आत्मा की एक पर्याय के आगे टिकने वाले आत्मा के आगे नहीं, एक पर्याय के आगे टिकने वाले नहीं है। दम क्या है? पंडित जी आप कैसी बात कर रहे, हमने तो करना नहीं, वो पड़ी है बड़ी पंच परावर्तन। अरे रुको, पंच परावर्तन एक आत्मा के सामने कुछ नहीं, तुम आत्मा को भुला के पढ़ रहे पंच परावर्तन, परावर्तन छेद परावर्तन काल परावर्तन। अरे पंडित जी का वर्तन का वर्तन पढ़ो पढ़ते। मैं तो सदा कब सदा शुद्ध मैं चैतन्य मैं, जड़ता मैं नहीं, शरीर मैं नहीं,
चेतनमय एक परम ज्योति एक 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 मैंने अखंड जो हम पहले नंबर सेट करा हमें नहीं मालूम जिस जिसे भूल के बात करो हम नहीं भूलेंगे पहले जी राइटर हमें के लिए एक दृष्टांत दे रहे समझ गए इसकी लाइन तो पढ़ के ऊपर हम एक दृष्टांत दे रहे घर में अपने ही बच्चा डांटा जाता समझ गए जबकि अपना बच्चा बहुत बढ़िया था अपना बच्चा बहुत ही बढ़िया था डांटा उसी को जाता मेहमान आए तो मेहमान से तूफानी बच्चा आया समझ गए तूफानी और तूफानी बच्चा घर में आया तो एक मिनट शांति से ना बैठे कहीं सोफा सेट पे चढ़ गए टेबल पे चढ़ गए कुर्सी पे कहीं घड़ी को दे गए मोबाइल दे गए रिमोट में लग पाइए ऐसे खटा खटकर अम्मा यही पर वो कहीं उपयोग नहीं कर रहा उसको ये भाई भाई मुड़ा दे रहे आज क्या हो रहा है मैंने एक एक सेकंड में बस तो अब थोड़ी देर तक तो देखा देख फिर आ गया अब भाई तो डांट नहीं सका अब नहीं बच्चा है डांट रहा है अब अपना बच्चा शांति से बैठा होगा बिल्कुल शांति से बैठा होता है अपने अम्मा बच्चा ने अम्मा ने अपना बच्चा डांटा एक तूने रिमोट छुआ ना हट बात की तो प्रति खिड़की छुई और अपने बच्चा को डांट पड़े तो बच्चे रोन लगा अम्मा हम तो सीधे हमें टांग टूट पड़ती हमें जबरन में डांट पड़ रही थी हमने कर्म बांधे नहीं जबरन निजरा हो रही आई बात समझ आ रही बच्चा तो चार अब सब समझते होंगे घर में क्या मतलब तू तो सदा निर्दोष ही है तुम ये फैट करके रख अब हम तो फिर भी कहेंगे क्या हमें तो से नहीं कहना है हमें तो उससे कहना है वो समझ जाएगी इसकी मम्मी बहुत खतरनाक है यदि टूट फूट हो गई बात हुई गला फाड़ दे तो फिर टांग तोड़ दे तो बच्चा शांति से बैठ जा रहा है उसकी अम्मा भी संभाल लेती है बच्चे को आ जा अब अगली बार फिर ऐसा ही हुआ बच्चा एक बार में समझ में शुरू जाता है अब अगली बार मम्मी ने डांटा तो बच्चा दुखी नहीं बनता रोया ना गाया कुछ नहीं क्यों उसे समझ में आ गई क्या समझ में आ गई हम निर्दोष होने पर भी डांटे जाएंगे कर्णालियो सदा शुद्ध चेतन में परम ज्योति होने पर भी खुद पंच प्रार्थना का वर्णन करेगा सत्तर कोड़ा कोड़ी का वर्णन करेगा हम पता है पंच प्रार्थना सत्तर कोड़ा कोड़ी ये पर्याय के नाम कहीं नहीं लग रहे एक दिन पर पर्याय प्रकट तो हमने जाते तो सर इतना बड़ा बवाल कैसे बन गया जी इसलिए तो बन गया कि हम अपने परमार्थ को भूल गए गाय को भूल गए ध्रुव को भूल गए अखंड को भूल गए हम तो परमेश्वर सत्य जी भूल गए इसलिए इतना बड़ी बात हो गई बहुत बहुत बड़ी बात हो गई लेकिन फिर भी इस शुद्धात्मा के सामने कुछ नहीं हो एड्रेस ले जाते हैं बम्बई जा रही है एड्रेस ले जाते उनसे मिल जाना तो एक बजे तो खर्च नहीं करना पड़ेगा आराम से रहना वहाँ सब व्यवस्था हो जाएगी तुम्हारी भोजन पानी ठहर रहेगी ले जा सकते अब बस चले आजकल क्यों ऐसे होते पड़त भी नहीं हुआ है रख ले कचु अटकल से याद रहा कि वो कचु कही थी मलाड चले जाइए अब मलाड तक तो पहुंचे और फिर वो पर्ची गायब जैसे बिल्डिंग का नंबर लिखा था 368 अब वो भूलेगी बस पढ़ी भी नहीं थी ना पढ़ा भी नहीं था यार नकच भटक तुम क्यों कहाँ छोड़ेगा तुम्हारे टेम्पो वाले टैक्सी वाला कहाँ छोड़ेगा कौन से घर में उतार दे कहीं ना कहीं तो उतार मलाट कौन से एक घर को ना एक मल्ला को ना मलाट एक नगर है हट गो अभी उधर
क्यों बस भटक रहे हो? अब वैसे भटक कितनी देर मिट जाएंगे? वो ये तीर स्लिप निकली और भटक मिट गई। अरे जय राज यही तो कहा था भटक काम कर देते हो कि वो एड्रेस भूल गए। नहीं यहाँ पर भाई साहब आप जी भूल गए, क्या भूल गए? जरा पढ़ो फिर एक बार। मैं तो सदा शुद्ध चैतन्य मय जी परम 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 समझते हो? परम का क्या मतलब होता है? सर्वोत्कृष्ट। परम माने सर्वोत्कृष्ट। सिद्धों की ज्योति में मेरी ज्योति में फर्क नहीं है, उनके ज्ञान में मेरे ज्ञान में फर्क नहीं। और जो भिन्न लक्षण वाले विविध प्रकार के भाव प्रकट होते हैं, जो तुम बहुत बार बार व्यवहार से बोलते हो, व्यवहार से बार बार तुम बोलते हो, जो भिन्न लक्षण वाले हैं भी व्यवहार से बार बार कहे जाते, विविध प्रकार के भाव प्रकट होते हैं। बे मैं आगे पर्दा है भी मैं नहीं हूँ। अब जी बात कह रखो ना, जैसे बच्चे को डांटा था सेट कर लिए, मम्मी अगली बार भी जब मेहमान के बच्चे आएंगे हमें डांटेंगे, हमें रोना नहीं। भाई तुम परमार्थ के समझ जाओ, तुम व्यवहार क्या नहीं ना पड़े, व्यवहार समझ गए? क्रियाकांड का नाम व्यवहार नहीं, ध्यान रखना। दृष्टांत में सब तरह की थी तुम, पूजा पाठ में तो बात में घटा के भी बताया थोड़ा सा, लेकिन व्यवहार का मतलब पूजा पाठ नहीं होता, क्योंकि किसी क्रिया का नाम निश्चय और किसी क्रिया का नाम व्यवहार है नहीं है। प्रकाश सिंह है ना, किसी क्रिया का नाम निश्चय और किसी क्रिया का नाम व्यवहार नहीं है। भगवान भगवान आत्मा कहते जाओ तो निश्चय हो गया और पूजा पाठ कर ली तो व्यवहार हो गया, इन्हें अर्थ नहीं लगा ना, तो क्या मतलब निकला? अवेद को अवेद अनुभव करना, अवेद को अवेद कहना, अवेद को अवेद कहना ये निश्चय, अवेद में भेद कहना ये व्यवहार। क्या कहा? अवेद में अवेद कहना ये निश्चय, अवेद को भेद करके कहना, भेद करके क्या कहना? अवेद, भेद करके भेद नहीं कहना है। हाँ, अवेद को अवेद कहना ये निश्चय, और भेद के द्वारा अवेद समझाना जी व्यवहार। क्या वो समझ आया? अवेद को अवेद कहना निश्चय, और अवेद को कहना तो अवेद ही है, लेकिन भेद के द्वारा समझाना जी व्यवहार। याद ले जाएगी बात? नहीं समझ आए, दृष्टांत देना पड़े। सोना नहीं समझते तब क्या समझाएंगे? सोना बस बच्चों पहली बार सोना क्या समझा? पीतल और सोने का अंतर क्या समझा? बेटा पीलो पीलो बस, तो झट सोना को क्या ना पीतल को धो लोटा बता लिया पिताजी सोने को कि नहीं बेटा, अब वो गुण भेद बतानी पड़ेगी ना, भेद करके तो समझा पाओगे? आत्मा क्या समझाओगे? ज्ञान दर्शन तो भेद, तो ये भेद करके तो क्या समझाना है? अभेद समझाना है, अभेद आत्मा। आई समझाई मैं? एक शादी में क्या होता है? पाणी ग्रहण संस्कार। क्या होता है पाणी ग्रहण में? क्या होता है? हाथ हाथ की शादी होती है, क्या कौन सी शादी होती है? अरे बोलो ना, क्या लिखा? पाणी ग्रहण, हाथ से हाथ की शादी भाई। अरे बोलो ना। तो पूरी की शादी भाई, अखंड की। यहाँ से नहीं भाई, हाथ को ब्याह तो आज होगा, पांव को कल होगी। ऐसा थोड़ी है, पता हाथ तो भेद करके कहते हैं, होती तो लड़का की पूरी की शादी है वो, नहीं समझाया जाता है ऐसे। अभी बात समझ आई? तो ऐसे अब फिर भी बोल दे रहा, अवेद को अवेद कहना निश्चय, भेद के द्वारा अवेद समझाना। पॉइंट पकड़ो, अवेद को समझाना, वजन दे रहे अवेद को समझाना, उसका नाम व्यवहार है, क्रियाकांड का नाम व्यवहार नहीं है, ध्यान रखो। क्या कहे समझाई गई? पूजा पाठ करना व्यवहार है कि निश्चय? बोलो क्यों से बोलो है? क्यों से बोलो? पूजा पाठ करना निश्चय की व्यवहार, रात्रि भोजन का त्याग करना निश्चय की व्यवहार। इसलिए समय सारी की गाथा चल रही हुई, व्यवहार के द्वारा परमार्थ में साध्य साधक
संबंध है। ये पढ़ा क्या पहले? अब दूसरा क्या पढ़ा दिया? जब हम व्यवहार में से बार बार कहेंगे तो तुम वो बात ध्यान रखना, कौन सी? अभी देने वो तो है ही सुरक्षित, वो तो अखंड प्रताप वाला, तुम उसे नहीं देखा इसलिए तुम्हारी महिमा गिर रही है। बात आ गई? अब चले, अब अपने को तीन गाथाएं पढ़नी है, इतनी देर में आप आ गए, है ना? मैं पढ़ता हूँ 28, 29, 30 तीन गाथाएं। 31 नंबर में निश्चय स्तुति की चर्चा होगी, बहुत सुंदर है, वो तो अभी नहीं करेंगे अपन, निश्चय स्तुति की चर्चा नहीं, व्यवहार स्तुति का निषेध करेंगे अभी फिलहाल। जीव से जुदा खुद गल मई, जीव से जुदा और खुद गल मई, इस देह की स्तवना करी, जीव से जुदा खुद गल मई, इस देह की स्तवना करी, माने मुनि जो के बंधन हुआ स्तवना हुई। बताओ मुनियों की बंधना और केवली की बंधना हुई कि नहीं हुई? बताओ हुई कि नहीं हुई? हमने देह की बंधना करी तो मुनिराज की और केवली भगवान की बंधना स्तुति हुई कि नहीं हुई? चिंता हो गई, व्यवहार न हो गई, कोई दिक्कत नहीं। तो व्यवहार ने मैंने दो अर्थ बता दिए, कौन कौन से दो अर्थ बताए? पहले दो पॉइंट चले सीधे, साध्य साधक संबंध। हमने जब देह की माध्यम से चर्चा की तो हमने देह की चर्चा नहीं की, ओहो वे अनंत चतुष्टय आत्मा केवली है, उनकी चर्चा की। देखो मुनि बनने के लिए क्या करना पड़ता है भैया, बोले जल्दी बोले, डरो नहीं। केस बंद करना पड़ते हैं, कपड़े उतारना पड़ते हैं, पीजी कमंडल लेना पड़ता है, यही करना पड़ता है, पैदल पैदल चलना पड़ता है, नंगे पांव चलना पड़ता है, यही ना, ठंड गर्मी बरसात में तीन ऋतुओं का वर्णन है, ठीक, यही करना पड़ता है। अब जी सब देह की तरफ से वर्णन हुआ मुनि का, तो अज्ञानी व्यक्ति अब जी सोचता ठंड लगेगी तो खाओगे, ठंड लगेगी तो खाओगे, अब आत्मा तो दिखी नहीं उसे। अरे महिला तीन कसा चौकड़ी के अभाव का नाम पहले नंबर ये पकड़ो, तो उधर तो नजर जाती नहीं है, जब हम ठंड में कपड़ा कम पहनने लगे, देखो अब चटाई के लिए ज्यादा हम दो साल से करके देख रहे प्रैक्टिकल, जैसे हम हार भी अब ले लें भैया चार में से मिल जाएगा छुआ, केस में वो तो तकलीफ नहीं, एक दिन आ गई है चार महीना भी एक दिन कल नहीं, चलो जिसे क्या कहते तुम, जिस ऐसा हुआ कि तुमने देह ही देह को पकड़ लिया, आत्मा को नहीं पकड़, देह की स्थापना हो गई, समझ गए स्थापना। ब्रह्मचारी कौन कहलाता है? तो ब्रह्मचारी जी देख लो थाली दो हम पिएंगे और ऐसे चप्पल पहन लेंगे, ऐसे कपड़ा पहन लेंगे, ऐसे सिर मुड़ा लेंगे, तो तुम नहीं समझे कुछ पॉइंट पकड़ में आया कुछ? यहाँ कह रहे हैं व्यवहार नय से स्तुति ऐसे की जाती है, व्यवहार नय से ऐसे स्तुति की जाती है, देह की स्तुति करते हैं और मुनि आज और केवली भगवान की स्तुति हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि उन दोनों के बीच में तो साध्य साधक संबंध था, महिला बनना हो तो तीन का साथ चौकड़ी का अभाव साध्य है, और जो है बाहर का है ना ये साधक है, उसे समझाने का आई समझ में, साध्य साधक पढ़ा चुके हम, जो लोग लेट आए उनकी हम नहीं कह सकते, बहुत विस्तार से पढ़ाए। दूसरा क्या हो गया कि हम जब व्यवहार कहेंगे तो परमात्मा पहले से समझना है, तीन का साथ चौकड़ी अभाव की बिना वाले मुझे की बात नहीं चल रही। बताओ ये घर में अंधेरा हो तो क्या करना चाहिए? घर में अंधेरा हो तो क्या करना चाहिए? जल्दी बोलो, बहुत सारा भाई लाइट फिट करवा लो, तो अपन एक कारीगर बुला लो दुकान पर, भाई क्या मैंने लाइट फिट कर दिया, आ लो तार मार सब आ लो सब लगा देगा, खट्टा दवा लगे आई नहीं रही लाइट, तो अब क्यों लाइट फिट करवाना चाहिए? ये बाकी जो कहा था इसके पहले पता है कौन सी बात रह गई तुम्हारे दिमाग में रहनी चाहिए थी, वो चीज अपने आप रहना चाहिए कि तुम बिजली घर से कनेक्शन लिया कि नहीं लिया, पकड़ना है ये लाइट की फिटिंग कराना, तार फिटिंग कराना, बल्ब फिट कराना, स्विच लगवा देना, ये सब करवा दीजिए, तो ये कब होंगे जब बिजली घर से कनेक्शन ले लिया जाए, ऐसे तीन का साथ चौकड़ी का अभाव का कनेक्शन ले लिया जाए
और फिर नैना दिगंबर मुनि दशा होनी चाहिए। तो उधर से तो देखते नहीं, कनेक्शन लेते ही नहीं हो और फिटिंग करवाते रहते हो। अनंतवार मुनि बने, ऐसे बने। तीन का साथ चौपड़ी के अभाव कनेक्शन सेट ही नहीं किया। शुद्ध चेतन ज्योति से हर बार वो लाइट फिट करवा ली, खूब मत कर रहे। हमारे कॉलेज से हम पढ़ते थे, हंसी मजाक चलते थे, अच्छी क्वालिटी हंसी मजाक करते थे बच्चे लोग, छात्र लोग। एक दिन बोले नेहरू जी पहली बार इंग्लैंड गए, तो उन्होंने होटल में देखा कि दीवार में नल खोलते हैं, खोलते समय नल लगी पानी आई, कच्चा हो गया। हमारे घर में तो पानी कुआं में चला, नदी में चला, अच्छा दीवार में से पानी निकल रहा है, नल लगे और एक तो नल देखा था, बाकी में सब संगमा में जोड़ो दिन का चला गया। बाजार में चले गए, बाजार में नलों की दुकान लगी, कहते हैं हार्ड हार्ड बेयर की दुकान, एक नल लो। बताओ ये नल में से पानी आता है कि नहीं? समझो हम कीर्तन करोगे, जितना गुणगान करेंगे, जो कुछ गुणगान करेंगे वो पहले ध्रुव से जुड़ेगा, पहले तब हमें 16 सपने आएंगे, समोसरण लगेगा, ये महिमा करेंगे समोसरण की, तीर्थंकों का समोसरण, तीर्थंकों के 5 कल्याणक। ये बात बाहर की फिटिंग की है, पहले नंबर उससे जुड़ेगा, सदस्य चेतन में एक परम ज्योति, उसके बिना नहीं होगी ये बात। अब ब्रह्मचर्य लेना कहा करें, इसीलिए हम कह रहे आजकल ब्रह्मचारी ब्रह्मचर्य लेते ही नहीं है, तो इधर का कनेक्शन तो लिया नहीं ब्रह्मचर्य का, तो बाहर को सोचे शादी नहीं कराओ, बस अपन तो घर में रहे आराम से, अब नहीं वो कर रहे शादी, अब कर तो दुख बहुत है, वो कमावे को दो, मोड़ा मोड़ी को दो, तो फला को दो, चूल्हे पे जाया पर नहीं ना दिया, अच्छी ये ब्रह्मचर्य हो गया, और कनेक्शन तो लिया ही नहीं होता है। तो क्या कहो इस समय शादी नहीं कर रहे? हाँ शादी नहीं कर रहे, तो ब्रह्मचारी नहीं, ब्रह्मचारी भी नहीं, तो पेंडुलम होगा हो गया। भाई कनेक्ट हो जाओ, इतना तो सरल काम, कठिन काम थोड़ी, कनेक्ट कनेक्शन ही से लेना है, पता नहीं बिजली लहसुन में बल्ब में उजाला आ रहा है, सरल ही कठिन, एक बटन दबाया कैसे आगे लाइट बताओ, सरल ही कठिन है, क्यों सरल होगी बोलो? कनेक्शन है, रूस का कनेक्शन है तो मोक्ष मार्ग पूरा सरल है, ये इतनी बड़ी बात कहना थी इसमें, देखो कितनी घरिष्ठ गाथा है ये 28 नंबर की, कि हम देह की स्थापना करेंगे और मुनियों की और केवली भगवान की स्थापना हो जाएगी। तो दो पॉइंट तो ये पड़ा, अभी समय है, हमें दो गाथा हम पूरा करेंगे, अपन सिलेबस पूरा करेंगे इसका। निश्चय विदेन योगे, धीरे धीरे बोला, निश्चय विषय निश्चय नये में ये योग्य नहीं है, निश्चय नये में मत लगाना ऐसे, नहीं दे गुण के वली ही के, वे दे के गुण केवली के नहीं है। जब बच्चे कल बैठे थे पर हमें कहा छिलका छिलका का रंग केला का नहीं है, वो छिलका बढ़िया से बढ़िया हो तो वो केले की बात नहीं है। आज तो मार्केट में केला आती ना, छिलका यहां से लगा जाए बिल्कुल बढ़िया, छिलका एकदम पीला पीला एकदम चका चक, और खाओ से कच्चे कच्चे स्वाद ही नहीं लगा, तो रंग बदल दिए ऊपर से, स्वाद तो है ही नहीं, क्योंकि ये बाहर से कनेक्शन करता है, उनका स्वाद नहीं भरता, अंदर से कनेक्ट होता है, वो वृक्ष से वही केला वृक्ष से कनेक्ट होता है, तो उसमें स्वाद भरना पड़ता, रंग भरना पड़ता, क्या करना पड़ता, कुछ कुछ नहीं करना पड़ता।
सदा शुद्ध चेतन में एक परम ज्योति उससे जो कनेक्ट होता है, देखते समय में दर्शन कहना चाहिए, फिर देखते मुरी दशा, फिर देखते 28 गुरुगुण, फिर देखते 22 परिजन जीतना, चुटकी उठना था। अभी अभी बैठक बहुत पास है, अपनी बात की नहीं है, मुनि बन जाएगी रजाई से कनेक्ट हो गया मुनि बनोगे। जो तुम शरीर से कनेक्ट कर रहे हो, रजाई से कनेक्ट कर रहे हो, तो मुनि कैसे बनोगे? तो आत्मा से कनेक्ट होकर देखो, ध्यान से देखो, मुनि दशा प्रकट हो गई। आई बात समझ आ रही? ध्यान रखना, एक लाइन कह दे, जब जब मोक्ष मार्ग कठिन लगे समझना बाहर से कनेक्ट हुए, अंदर से कनेक्ट होकर देखो। दृष्टांत दे सकती हो तो हम क्या कह सकते? एक भिखारिन थी, बहुत सुंदर थी, भिखारिन सुंदर थी, बल्कि भैया ने कभी 5 पैसे मांगे तो एक कांटा पड़ता था, आज भी मांगी 5 पैसे जाके तुम्हारे बाप रख गए, पिटाई कर दी। और अशिष्ट, अशिष्ट क्या करे, गरीब बेचारी जब देखे तो भैया डरते ही रहे बेचारे। अब हम पूछ रहे तुमसे, जो बहन 5 पैसे नहीं दे सकती वो पानी की आइसक्रीम खाने के लिए, वो 5 रुपए दे सकती है 1 सेकंड? बोलो बोलो, दे सकती 5 रुपए दे? अब एक दिन उसकी सगाई चक्रवर्ती से हो गई, चक्रवर्ती से हो गई सगाई, मन करोड़पति अरबपति से हो गई, अरबपति से हो गई, सुंदर थी ना, बहुत सुंदर थी, शादी हो गई। अब बेचारा बच्चा तो वही था बेचारा, वो तो जब समझते नहीं, डरते डरते आए, दीदी 5 पैसे आइसक्रीम खाई तो चल 5 नोट दिए। अब वो डर गया बेचारा, कहीं ऐसा ना 5 नोट पकड़ भी जाए, हाथ पकड़ के डर गया बेचारा। आपने देखा है जब बच्चे ज्यादा लड्डू मांगते तो पूरी पकड़ा देते, खा लेते बार बार लड्डू लड्डू लड्डू, खा लेते एक बार खा ले जिंदगी भर के लाए, डर गया बेचारा, उसे विश्वास ही नहीं हो रहा है। 5 नोट नहीं नहीं भैया, सही में कह रहे, सही में, सही में दे रही थी तो सही में से यदि नोट पकड़ा तो ही पकड़ते थी, मतलब आज यहाँ कर रहा सही पकड़ा रही थी, चूड़न को तो नहीं 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 जाओ लेके आओ खाओ पियो। 500 कैसे छू गए? 5 पैसे से छूकर नहीं थी, 5 रुपए कैसे छू गए तुमसे? कि भैया पहले जिससे कनेक्शन नहीं था, अब जिससे कनेक्शन हुआ वो चक्रवर्ती है, ऐसी चेतन चक्रवर्ती से कनेक्शन करने वाला, एक एक क्षण में अदत्नत रहे, एक एक क्षण में केवल ज्ञान, एक एक क्षण में आनंद, तो झर कहां से रहा है? कनेक्शन कनेक्शन सही कर रहा हूं, अभी बात समझ आ रही है? ऐसे निश्चय व्यवहार पढ़ो, आगे चलो भाई। तो क्या कह रहे थे? निश्चय नहीं योगे नहीं दे गुण के वली के, जो के वली गुण को तवे परमार्थ के ली वो तवे। इस भी मैंने स्तवन करता है, स्तुति करते हैं, वंदना करते हैं, कौन? परमार्थ की वंदना करने वाले ही वंदना करते हैं। निश्चय ने योग्य नहीं है, इसके दृष्टांत परसों देखे थे, निश्चय ने योग्य नहीं है। याद है दृष्टांत कि पिताजी ने कहा था लड़का 10 लाख कमाता है, 5 मकान है, 10 कार है, तो लड़का ने पूछी थी फिर शादी के बाद, हम तुम्हें कैसे लगते हैं? तो देख कर बोली 10 लाख है, मजा आ रहा हूं। तो प्रभु जी माने हम कैसे लगा, जब पूछे थे हम कैसे लगा है, तुम्हारे 5 मकान है बड़े बड़े, बोलो कैसे लग रहा है? बोलो कि निश्चय में जब ये पति ये पूछा मैं तुम्हें कैसा लगता हूँ, उस समय ही योग्य नहीं है। ऐसे केवली भगवान का स्तवन करते समय देह का रंग रूप, समुद्र का रंग रूप वर्णन करने योग्य नहीं है। आई बात समझ में आई? दृष्टांत दे, समझ में आ जाए तो जल्दी। भोपाल में कॉलेज पढ़ाने जा रहा था, दोपहर का टाइम था, पढ़ाने जा रहा था, तो साइकिल के ऊपर बांस में बड़ी बड़ी झाड़ लगाए हुए, दो स्लीपर, स्लीपर समझ गए,
झाड़ू लगाए चले आ गए, समझ गए स्वीपर झाड़ू लगाने वाले गटर साफ करने, चले हम भी चले आ रहे। तो बातें कर रहे हम भी मोड़ी को ब्याह बम्बई होगा, हम सुनते हैं बच्चों को विवाह कोई बम्बई हो पेट ना रहेगा अपन तो जी लगा सकते हो। फिर बस सोची बम्बई, हाँ तो सही बात है बम्बई में उतरेगी तो स्वीपर दे, भोपाल की मौड़ी हो बम्बई को स्वीपर हो ही, लेकिन अपन बम्बई नाम सुनते थे क्या लगता है एकदम। अभी तुम्हें मालूम पड़े ना अपने माने जेल मान की लड़की फ्रेंड की बम्बई रह रही है, तो बम्बई के नाम से बम्बई, अरे भैया कबूतर खाना हो रही थी ढाई ढाई कमरा हो 1 करोड़ के ढाई मन, लेकिन पहली बार जब हमने सुना एकदम रोमांच हुआ, इनकी बच्चा सोई फिर हमने सोची कहाँ रेत हुई है नाले के किनारे कोई झोपड़पट्टी हुई वो चार कला की कपड़न की है जी, पक्के मकान नहीं हुए वहां बिल्कुल आउटर, लेकिन अपने तो बॉम्ब ही लग रहा है ना, अपन अब असली बम्बई में तुम वो चार लगा तो असली बम्बई कीमत थोड़ी समझ में आई तुम्हें, उनके घर चले जाओ था ऐसी व्यवहार नहीं के द्वारा निश्चय की महिमा नहीं कर पाओ, व्यवहार असमर्थ है कहने में केवली भगवान के गुण बताने में असमर्थ है, अभी तुम अगर लगाओ तो समर्थ हो जाओगे, तुम समर्थ हो सकते हो, लड़की इतनी अक्कल होना चाहिए पिताजी ने जितनी बातें बताई थी वो लड़का से ना कहे मैंने पति से ना कहे, क्या कायगत कर रहे निश्चय विषय नहीं योग्य, भगवान के सामने खड़े हो तो जी मत कहो ये कार्य कार्य भगवान अच्छे नहीं लग रहे, ये सफेद वाले अच्छे लगे सफेद वाले भगवान काले पाषाण के सफेद पाषाण के काला शरीर अथवा गोरा शरीर ये मत देखो, उस अनंत चतुष्टयात्म वैभव को देखो है तो निश्चय विषय नहीं होगा, तो समझे नहीं दे गुण नहीं दे गुण केवल ही केवली भगवान के देह के गुण नहीं है, जो केवली गुण को सवे परमात केवली को आचार्य खुद ही दृष्टांत दे रहे की गाथा में खुद ही दृष्टांत दे रहे कि व्यवहार के वर्णन करने से निश्चय का वर्णन नहीं होता, रंग रूप बताने से केवली भगवान तीर्थंकर का रंग बताने से समोसन बताने से तीर्थंकरों का असली वर्णन नहीं होता, कैसे नहीं होता तो उसका एक दृष्टांत दे रहे, बहुत प्यारा दृष्टांत है एकदम सरल है देखो सनातन रे ग्राम वर्णन करने से भोपाल वर्णन हो न जाओ, जैसे गांव का वर्णन करने से राजा का वर्णन नहीं होता त्यों देह गुण के सवन से नहीं के देह के वर्णन करने से केवली जी गुणों का स्मरण नहीं होता, पहली बार कोटा गया ना कोटा पहली बार तो बाबू जी का परिचय बाबू जी की बड़ी महिमा कैसा लगता था पूरा कोटा धर्मात्मा होगा पूरा कोटा मुक्त होगा पूरा कोटा मंदिर चर्चा को सुनता होगा बाबू जी की मंदिर मंदिर में जी कभी चर्चा करती होगी, तो ये समझो कि रियल गार्डियन दे रही सब आ रहे हमें घबराहट हो रही पहली बार तो भारत की राजधानी में जा रहे हैं ऐसी घबराहट और सपने आ रही हुई कि पूरी जगह अच्छी अच्छी, अब वहां जाके देखा तो वहां भी गहित में थे अभी जो होता वही है सब जो जो होता था वहां भी सही पहली बार पत्र होगी सुविधा हो रहा यहाँ भी ऐसा धक्का फिर हम
उसने सोची भाई कोटा बहुत बड़ी चीज है, और बाबू जी तो एक मोहल्ला में रहते, एक मंदिर में जाते, सारे मंदिरों में ठेका तोड़ दिया। लेकिन अपने तो बाबू जी और कोटा हमें कैसे लगता है ना, अमेरिका वाला कोई व्यक्ति या बम्बई वाला कोई व्यक्ति हमारे ना है, तो पंडित जी और हमारी पर्यायवाची हो गए, हम जिस किसी घर गए कमाल उदास तो खाते हम तो यहाँ से आए थे जैसे देवो पुनीत नगरी हो, दूसरी रात को खा लेते, समझ में आया कुछ तो बाद में समझ में आई ये कोटा बहुत बड़ा है, कोटा में बहुत सारे मंदिर हैं, बहुत सारी समाज है, 90% महावीर ही सुनत प्रवचन, गिनती किसको 500 लोग सुनत, बाकी लोग इतना बाकी बड़ी बहुत बड़ी होता, महावीर झूठ बेईमानी सब होता है वहां भी, सब पाप होते हैं। तो हम पहली बार ऐसा लगा प्रवचन में कही थी भाई कब हुआ तो सभी जगह कार्य हो होते तो होते ही है, क्या करोगे, हमने काय का अर्थ करने समझ में आ रहा, कोई गांव के वर्णन करने से राजा का हम कोटा में के घर देखे आए और फिर कह रहे भैया ये कैसे बाबू जी कोटा में तो रात को पानी पी रहे थे भाई भी ऐसे कर दे, तो बाबू जी का वर्णन नहीं होगा उससे, कोटा का वर्णन करने हम आयन का वर्णन करने से पंडित साहब को नहीं समझ पाओगे, तो पंडित साहब को समझना तो अलग ही समझना पड़ेगा तुम्हें, ऐसे यहाँ पर कह रहे रे ग्राम वर्णन करने से, एक नीचे कलश दिया था इसका, ये समझ गया, रे ग्राम वर्णन करने से राजा का वर्णन नहीं होता, उसी प्रकार दे के गुण के स्तवन करने से केवली का गुण का स्तवन, चर्चा तो बहुत गहरी है, टाइम हो गया, लेकिन अब तुम लोग लेट आते हो भैया, देखो हम एक दिन पहले जी से आए, क्या करने बोलो भैया, पंडित साहब को बुला रहे नहीं बुला, हाँ उल्लास से आओ ये खूब, देखो भाई निमित्तों से काम नहीं होता, पंडित साहब के पधार जाएंगे 5 दिन बाद चले जाएंगे, आपका लाभ नहीं होगा, बीज डालने से पहले भूमि बड़ी कोमल होनी चाहिए, उल्लास होना चाहिए, इस बार तो अपना प्रयोजन साधना ही है, ऐसे साध्य की दृष्टि होगी तब वो साधक होंगे पंडित साहब के वचन, अपना काम करने के लिए इधर ही तैयारी करनी पड़ेगी, तो फिर काम एक सेकंड हो जाएगा, कच नहीं कई बार ऐसा लगे स्पेशल प्रवचन नहीं भाई, स्पेशल प्रवचन आज प्रवचन बहुत स्पेशल है, नहीं नहीं प्रवचन स्पेशल मत करो, अपनी तैयारी स्पेशल करो, क्या काम है अपनी तैयारी इतनी हो साध्य साधक की व्यवहार में से परमार्थ पकड़ने की, ये वचन निकलेगा और काम, अगली बात समझ में आ रही, तो पहले तो यही समझा दी क्या कह रहे, इसमें बहुत बड़ी बड़ी बातें कह दी दृष्टांत, गांव का वर्णन करने से राजा का वर्णन नहीं होता, समझ गए, सही बता इस गाथा का मान कितने लोग समझे, दस दिगम्बर मुझे आज को सांवला देख ले, पूरा शरीर सांवला तो पास नहीं, पीठ अंदर जा रहा है, हड्डियां निकल रही है, श्रीमद राजचंद्र जी और शरीर ऐसा हो रहा है वो कोई उन्हें ढोक तक नहीं दे रहा, और एक आंख में बैठी प्यासराज जी बताओ तुम्हें तुम्हें दे ही दे दिख रही है, इंद्र को तो उस आत्मा की इतनी महिमा आ रही है, उसके चरणों में लोट पोट हो रहे हैं, तो उन्होंने क्षण भर में केवल कर ले, तुम शरीर देख रहे थे ए भाई क्या मुनि बनने के बाद देखो कैसे दुबले पतले हो गए, पहले इतने अच्छे लगा कैसे सांवले हो गए, देखो सारे खा गए धीरे, तुम कहा देख रहे थे वो कहा हुआ अभी तुमसे कहे भैया हमें थोड़ा संकट है थोड़ी तकलीफ, हम तो पहले ही कह रहे थे ब्रह्मचारी मत बनो, अच्छी खासी नौकरी आती कस कर लेना, धन्य तो बढ़िया मकान तो आराम से रहते, एक ही परमेश लिया जाती बस सुखी से रहते, अपन कहां से देख रहे हैं, समझिए एक गांव का वर्णन करने से राजा का वर्णन नहीं होता, ऐसे दिगम बम्बई राजा को आप तरीके से नहीं पहचान पाओ, अभी समझ में आई, बताओ कौन सा फोटो लगाओगे मुई राज का, कौन सा फोटो लगाओगे,
वो वाला फोटो जो अपन ने बनाया करके वो तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन असली आचार तुमको पता है ना, तो शायद तुम उनकी फोटो नहीं खींचोगे। आचार कौन कौन, इनके दो दांत बाहर है, सांव रही है, हड्डी हड्डी दिख रही है और पूरा शरीर काला दिख रहा है। भगवती आराधना में लिखा है दिगंबर मुनिराज का सुंदर शरीर कैसा है, सुंदर शरीर बताए, सुंदर शरीर कैसा क्या लिखा है? अज जले सबकी भांति, अज जला सब समझते हो, डेड बॉडी आधी जल गई हो, आधी काली कलूटी हो गई हो, ऐसे दिगंबर मुनिराज के शरीर की सुंदरता लिखी है, अज जले सबकी भांति जो हो गया, उसका वर्णन लिख रहे हैं वो दसों दिशाओं को धो दिए। एक्चुअली हमने वो देखे ना गांव का ही वर्णन, बढ़िया बढ़िया फोटो बता, यदि 1000 मुनिराज विराजमान और 1 मुनिराज बड़े सुंदर लग रहे हो तो सबसे ज्यादा फोटो कौन के लगेगी मन गांव में? जी कह रहे जी, तुम ग्राम का वर्णन से राजा का वर्णन समझ रहे, जी कह रहे दे नहीं देखो, देखा रंग रूप मत देखो, देखी हेयर साइड मत देखो, वो गुण देखो कौन, तब तुम पहचान पाओगे। इतनी इतना मेहनत करनी पड़े अपन नहीं, हम तो कार्य करूंगे नहीं नहीं तुम ही ले सकते, जी वर्णन तो गांव का है, गांव के वर्णन से राजा का वर्णन नहीं होता। ये बहुत बढ़िया बात है और लगा रहे ना तो बहुत, हमने देख घटा के बताया मुनिराज में अपने शरीर में लगा दिया। अब एक कवित पढ़ के सुना देता हूँ, छोड़ देते घर पढ़ ले, 25 नंबर का कलश में कोई राजा का वर्णन करने की चर्चा है। कैसे वर्णन किया जाता है राजा का, राजा का नाम भी नहीं आया और प्राकार कवलितांबर क्या हो गया, यह नगर ऐसा है कि जिसने कोर्ट के द्वारा आकाश को ग्रसित कर दिया, ग्रसित कर दिया, आकाश को पकड़ दिया, खा लिया, इतने बड़े बड़े कोर्ट है। राजा का वर्णन कैसे करते हैं, चित्तौड़ का किला ऊपर किला के, मानो इसने इस किले ने आकाश को दांतों से कवलित कर दिया, कवलित कवलित समझे कोल, कवल कवल होते कवल कवलित माने कोल को खाना, आकाश को खा गए ग्रहण कर लिया। और क्या है इसका कोट बहुत ऊंचा है, बगीचों की पंक्तियों से जिसने भूमि तक को निकल लिया, कितने बगीचे हैं इस गांव में नगर में इस देश में जमीन नहीं दिखाई देती, तो बगीचों ने तो जमीन खा गई और दीवारों ने आकार खा लिया, उसके ऊपर आकाश नहीं दिखता, ऐसे दो हुए है ना। और क्या कह रहे हैं, और कोर्ट के चारों ओर की खाई के घेरे से मानो पाताल को पी गया, पी रहा है पाताल, पाताल पाताल कोर्ट के चारों तरफ परिखा होती है पानी भरा तो मानो समुद्र की तरह उसे पी गया। अच्छा कौन का वर्णन चला जी, ये राजा का वर्णन, ऐसा कोर्ट ऐसे बगीचे और ऐसी परिखा, परिखा माने वो चार तरफ खाई कोट की जहां तक पानी होता है। इस प्रकार का वर्णन करने पर भी उससे राजा का वर्णन नहीं होता, क्योंकि यदि भी राजा उसका अधिष्ठाता है तथापि वह राजा कोट बाग खाई आदि वाला नहीं है। अगर मैं समझा गया अधिष्ठाता, ज्यादा नहीं एक मिनट समझाई देने के लिए, अधिष्ठाता समझते हो मैंने, इस सबका अधिष्ठाता कौन है, राजा ही है। ऐसे ही मुनिराज का 28 मुनियों का अधिष्ठाता कौन है, कि कोई शुद्ध चेतन है, केवल ज्ञान अनंत चतुष्टय का अधिष्ठाता कौन है, कि वो आत्मा ही है। इसलिए 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 इसकी 28 मुनियों की प्रशंसा करने से मुनिराज की प्रशंसा हो जाती है, जो अधिष्ठाता है ना, वहां अधिष्ठाता माने स्वामी, अधिष्ठाता सुना होगा, अधिष्ठाता माने मतलब सर्वे सर्वा अधिपति, उसकी चलती है वहां से, तो
अनंत चतुष्टय प्रकट हुए, उसका विचार कौन है? वो शुद्ध आत्मा, इसलिए हम उसका वर्णन करते तो वो आ जाता है। अब वो आता कहाँ है? वो समोसरण आदि शरीर, सशरीर परमात्मा है, अनंत परमात्मा तो वो हो गई। तो इस सबका वर्णन इसलिए किया जाता है, यद्यपि वो उसका अधिष्ठाता है, लेकिन अधिष्ठाता में भी सब नहीं है। अधिष्ठाता वो सब नहीं माने शरीर आदि समोसरण आदि नहीं। एक मिनट बता दिए फटाफट, विचार कर प्रैक्टिकल काम तो बहुत बता दिए। श्री ओम नमः।